हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। बेरोजगारी और कोरोना पर चर्चा की मांग को लेकर के उत्तराखंड विधानसभा में हंगामा। हंगामे के बीच 19 विधेयक पारित, सदन अनिश्चितकालीन तक के लिए स्थगित। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, अब सभी विश्वविद्यालयों में एक समान नियम होंगे लागू। 1973 के बाद पहली बार हुआ ऐसा। अभी तक नहीं बन सका मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में गर्म कुंड। आपदा के 7 वर्ष बाद भी नहीं बना गर्म कुंड। महिला तीर्थयात्रियों को स्नान करने में आ रही है दिक्कतें। 28 सितंबर को क्लैट की प्रवेश परीक्षा। कोरोना पॉजिटिव और आइसोलेट छात्रों पर रोक। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने जारी किया दिशा निर्देश। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, क्वारंटाइन सेंटर और अस्पतालों की मॉनिटरिंग को कमेटी गठित करे। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। सामने आए 1059 नए केस, कुल संक्रमितों की संख्या 43,720 पहुंची। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना से बुधवार को एम्स में निधन हो गया था। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी निधन पर दुख जताया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको दिखा देते हैं। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश अंगड़ी जी के असामयिक निधन का समाचार सुनकर अत्यंत दुख हुआ। वे एक कुशल प्रशासक और जनता को समर्पित राजनेता थे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति व शोक संतप्त परिवार जनों को धैर्य प्रदान करे। नैनीताल नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी के सोमवार से शुरू हुए आमरण अनशन पर विधायक संजीव आर्य ने राजवित्त आयोग से नगर पालिका को राजवित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि के ब्यौरे पेश करते हुए कहा कि कर्मचारियों के वेतन पेंशन ग्रेजुटी के भुगतान में उन्हें दिक्कत आ रही है, जबकि 1,10,00,000 रुपए प्रतिमाह उन्हें देना पड़ रहा है, जबकि सरकार उन्हें 1,21,00,000 रुपए प्रतिमाह अनुदान दे रही है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी का कहना है कि विधायक आर ने पालिका को प्रतिमाह 1,21,76,000 रुपए प्राप्त होने और वेतन आदि पर खर्च 1,10,00,000 बताया है। इस पर उन्होंने स्वयं को प्रधानमंत्री मोदी तर्ज पर नगर पालिका का प्रधान सेवक बताते हुए बताया कि नगर पालिका का वेतन इत्यादि पर खर्च करीब 1,16,00,000 रुपए एवं पेंशन पर रुपए 34,00,000 तथा आउटसोर्सेस एवं संविदा कर्मियों के वेतन में 15,00,000 रुपए खर्च। आप नैनीताल के परिप्रेक्ष्य में भी हम प्रति माह राज्य वित्त का अंशदान 1,21,00,000 रुपए का है, जिसके अंतर्गत लगभग 14,50,000 रुपए राज्य सरकार नगर पालिका नैनीताल को देती आई। और जैसा क्योंकि जो वर्तमान चेयरमैन है मेरे अनुज भी हैं, छोटे भाई भी हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनके वेतन, उनके पेंशन, उनके भुगतान के लिए हमको दिक्कत आ रही है, और वो स्वतः अब इस बात को स्वीकार भी कर चुके हैं। जैसे कि आपने कहा कि जो हमें ग्रांट 1,21,00,000 में मिली है, मैं मानता हूँ 1,21,00,000 हमें ग्रांट मिली है, उसके पक्ष में हम जो हमारी जो पूरी हम सैलरी देते हैं वो 1,64,00,000 रुपये है, तो प्रति माह हम 40,00,000 रुपये बोर्ड फंड से देते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक सवाल और शायद बीच में कह रहे थे कि हम लगातार ग्रांट जारी कर रहे हैं, और एक सवाल जो मैं सुनने में भी आया था कि हरिद्वार को लेकर उन्होंने कहा कि हमने उनको कोई ग्रांट जारी नहीं किया है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते ऋषिकेश की महापौर अनीता ममगई ने शहर के समस्त व्यापारियों के साथ मिलकर पूरे शहर को सैनिटाइज करवाया है। वहीं मेयर अनीता ममगई ने मार्च माह से ऋषिकेश में लगातार सफाई व्यवस्था और सैनिटाइज का काम किए जाने की भी बात कही, साथ ही साथ लोगों से कोरोना मानकों का पालन करने की अपील भी करी है। सभी जानते हैं कि मार्च से लगातार नगर निगम ने पूरी ताकत अपनी विशेष सफाई अभियान में और सैनिटाइजेशन में होगी में पूरी ताकत के साथ में मुस्तैदी के साथ में लगा हुआ है, और इस समय कोरोना का जो विकराल रूप है उससे अपना शहर भी कहीं अछूता नहीं है। तो हमारा प्रयास है कि जितना हो सके अपनी तरफ से लगातार एक विशाल वृहद स्तर पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। खबर बेरीनाग से, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरीनाग को पीएससी की सुविधा मिलने पर किसान कांग्रेस प्रदेश कमेटी के प्रदेश सचिव रेखा भंडारी के नेतृत्व में
कांग्रेसी नेता एसडीएम से मिले और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर शीघ्र ही यहां पर सीएससी की सुविधा दिए जाने और सीएससी का बजट आवंटन करने की मांग करी है। साथ ही साथ कहा है कि सीएससी की सुविधा नहीं मिलने से आए दिन मरीजों को परेशानी होती है, अगर जल्द सीएससी की सुविधा नहीं मिली तो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। सभी जनता परेशान है और बहुत बार हमने इसके लिए आवाज भी उठाई और नीचे से ऊपर तक पूरी डबल इंजन की सरकार होते हुए सभी जनप्रतिनिधि होते हुए इसमें कोई भी इन्होंने काम नहीं किया है और न ही स्वास्थ्य केंद्र को कोई बजट दिया जा रहा है। और अगर ऐसी ही स्थिति रही, अभी हमने ज्ञापन दिया है कुछ समय के लिए, अगर ये सभी सुविधाएं सुचारू रूप से नहीं की जाती हैं तो इसके लिए उग्र आंदोलन किया जाए। डोईवाला के तमाम क्षेत्रों में धान और गन्ने की फसल को देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने तबाह और बर्बाद कर दिया है। परेशान किसान अब शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि देर रात डोईवाला क्षेत्र के कई स्थानों पर भारी ओलावृष्टि और आंधी तूफान आया, जिससे क्षेत्र के दुधली, शिमला, बुल्लावाला, माजरी और खैरी के किसानों की मेहनत से लगाई गई फसल धान और गन्ना गिरने से बर्बाद हो गई है, जिससे किसान को काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। वहीं क्षेत्र के किसानों ने शासन प्रशासन से फसल के नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजे की मांग करी है। गन्ना और धान दोनों की गए, इससे हमारा काफी नुकसान काश्तकारों का हो रहा है। धान की फसल भी कर चुकी और गन्ने की फसल भी कर चुकी, इसलिए नवंबर के फर्स्ट वीक में इस फैक्ट्री को चला देना चाहिए। अच्छा, ये हमारी इनसे मांग है। क्षेत्र में बिना विकास प्राधिकरण नक्शा पास करके भवन निर्माण करने वालों के खिलाफ प्रशासन अब सख्त हो गया है। बेरीनाग और चौकोड़ी में भवन निर्माण कर रहे 4 दर्जन लोगों को नोटिस देने के साथ छापेमारी अभियान चलाया गया। एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने बताया कि भवन निर्माण के लिए नक्शा पास करना आवश्यक है। यदि किसी के द्वारा चोरी छिपे निर्माण कार्य किया जाता है, निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले में विस्थापित कॉलोनी सुमन नगर के कृषि भूखंडों में प्लॉटिंग कर बेचे जाने के मामले में सुनवाई करी है। वहीं दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्लॉट विक्रेताओं को भी पार्टी बनाते हुए नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए। आपको बता दें कि अनिल कुमार सुमन नगर हरिद्वार निवासी ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि टिहरी से विस्थापित लोगों के लिए सुमन नगर हरिद्वार जिले में विस्थापित कर रिहायशी कॉलोनी बसाई गई है। इस पुनर्वास स्थल में कृषि के कई भूखंड हैं, जिसे पुनर्वास निर्देशक टिहरी बांध परियोजना ने कृषि भूमि के नाम से प्लॉटमेंट कर दिए थे। अब प्लॉट की गई भूमि पर प्लॉटिंग करके उसे बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जा रहा है, जो गलत है। याचिकाकर्ता द्वारा जिन लोगों ने प्लॉट खरीदे हैं उन्हें भी पार्टी बनाने के लिए कोर्ट से प्रार्थना की है। खरीदे उन लोगों को भी इस का मामला है, जो कि विस्थापितों के लिए कॉलोनी बसाई हुई है, जिसको कि अनिल कुमार आदि जो कि सुमन नगर के निवासी थे और वो इस बात से आहत थे कि ये जो पर्टिकुलर यानी कि जो एरिया है, जो कि रेजिडेंशियल एरिया है, इसमें एग्रीकल्चरल प्लॉट के नाम पर आवंटित कर उसमें कॉलोनी काट कर उस पर छोटे छोटे प्लॉट बेचकर मुनाफा कमाने का जो ये एक तरीका इन्होंने इजाद किया है, तो इसको जनहित याचिका के रूप में इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड में चुनौती दी। लालकुआ नगर पंचायत के विस्तारीकरण को लेकर के आम लोगों ने एक आवाज पर सुर मिलाने चालू कर दी है। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हेमंत नरूला ने भी सरकार से अब लालकुआ नगर पंचायत का विस्तारीकरण करने की मांग उठाई है। साथ ही साथ लालकुआ शहर को हाथीखाना 25 एकड़ सेंचुरी कॉलोनी क्षेत्र से जोड़ने की बात कही गई है, जिससे लोगों की समस्याएं दूर हो सके। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि ये प्रयास तो काफ़ी समय से चल रहा है। पिछले 2 साल से प्रयास करते हैं माननीय विधायक जी, हमारे यहाँ के लोकल विधायक माननीय दुर्गा जी, और कई बार इसमें मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता हो चुकी है।
कुछ छोटी मोटी दिक्कतें हैं इसमें, कुछ इन्वेस्टिगेशन क्या है, कुछ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स मांगे गए हैं विभाग से, कई तरह के इसमें विभाग इसमें इन्वॉल्व हैं, कई तरह के डिपार्टमेंट हैं इसमें, और उधर के लोग भी चाहते हैं कि ये यहाँ तक विस्तारीकरण हो और नगर पालिका बने। सरकार से गन्ने का भुगतान हो जाने के बावजूद गन्ना समिति डोईवाला ने अभी तक किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं किया है, जिससे नाराज होकर गन्ना किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले फिर गन्ना सहकारी समिति परिसर में धरना देकर प्रदर्शन किया। गन्ना किसानों ने समिति के अधिकारियों पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि समिति के लोग सरकार से मिले भुगतान को समय पर ना करके जहां सरकार की केकरी करा रहे हैं, तो वहीं गन्ना किसानों को भी बेवजह परेशान किया जा रहा है। साहब को ये कहूंगा कि आप लोगों का तो पहले तो धन्यवाद है सरकार का, जो हमारे इतना करने के बाद में आप लोगों ने भुगतान किया, और सीएम साहब को उसकी उनकी विधानसभा के अंदर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पाल रखे हैं, देख लो सीएम साहब कि जो 15 दिन का शासनादेश होने के बाद भी आज किसान फिर धरने पर बैठा है, कम से कम इस चीज को संज्ञान में लें। सरकार की तरफ से पूरा भुगतान हो गया है, शुगर मिल के द्वारा हमें चेक शनिवार को प्राप्त हुआ था, जिसमें हमने जो है हमारे पास सामग्री लिपिक न होने के कारण थोड़ा इसमें लेट हुआ है, जैसे ही सामग्री लिपिक आए हैं मैंने तुरंत जो है दो दिन में मंगलवार को जो है 15 मार्च तक का भुगतान भेज दिया है, और शेष भुगतान भी जो है सोमवार तक को जो है भेज दिया जाएगा। सरकार द्वारा किसी बिल पास किए जाने के विरोध में विपक्ष सरकार को देने का काम कर रही है, तो वहीं फिर से बिल पास होने के बाद किसान भी उग्र होते नजर आ रहे हैं। सरकार द्वारा किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग व व्यापारी को भंडार की अनुमति दिए जाने को लेकर के किसानों में भारी रोष देखने को मिल रहा है, जिसके विरोध के चलते 25 सितम्बर को संपूर्ण भारत में किसान चक्का जाम करेंगे। मंगलौर गुड़मंडी में आयोजित भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार के इस फैसले का किसान पूर्ण तरीके से करते हैं। डबल इंजन की सरकार किसानों का शोषण कर रही है और किसानों को भुखमरी के कगार पर लाकर खड़ा करना चाहती है, जिसका किसान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, और कल संपूर्ण भारत में चक्का जाम कर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखो चक्का जाम करने का कोरोना जैसी महामारी में किसानों को शौक नहीं है, लेकिन चक्का जाम तो ये सरकार करा रही, जो इस तरीके के काले कानून अध्यादेश कोरोना का बहाना लेकर बंद कमरे में बैठकर किसानों को थोप रहे, उसमें थोड़ा बहुत था किसानों की भी सलामत पर हो जानी चाहिए। जब किसान उस बिल को नहीं मानता, उसे लागू करवाना नहीं चाहता, तो सरकार ने ठेका क्यों ले लिया उसे लागू करने का। बाजपुर तहसील में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लोन के लिए आवेदन करने वाले युवकों का सीजीओ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंटरव्यू लिया। इस दौरान स्वरोजगार के लिए युवक कितने गंभीर हैं इसको परखा गया है। आपको बता दें कोविड-19 के चलते अनेकों प्रवासी मजदूर जहां काम धंधे छोड़कर वापस अपने घर आ गए हैं, वहीं अनेकों लोग ऐसे भी हैं जिनके सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। ऐसे में अब सरकार युवकों को स्वरोजगार देने के लिए गंभीर हो गई है। इसी के चलते तहसील परिसर में स्थित स्वान केंद्र में स्वरोजगार के लिए लोन लेने वाले युवकों का वीडियो इंटरव्यू लिया गया है। ये इंटरव्यू जिले में बैठे सीजीओ ने लिया है। इस इंटरव्यू में 45 लोगों ने प्रतिभाग किया है। आज देखिए जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा किसानों के अहित में एक काला कानून, एक काला अध्यादेश पास किया गया है, हम सभी लोग उसके विरोध में हैं। पूरे देश का किसान और पूरा विपक्ष और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी अपने राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के आदेश पर और आह्वान पर सड़कों पर है। हम सब लोगों की मांग है कि जिस प्रकार से ये अध्यादेश पास किया गया है वो लोकतंत्र की हत्या है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का सारथी। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रही है। राज्य में डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों के साथ साथ पर्याप्त संख्या में कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की सुविधा दी जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों में भी कोविड के इलाज की अनुमति देते हुए इलाज की दरें सरकार द्वारा फिक्स की गई हैं।
अटल आयुष्मान योजना के लाभार्थी निर्धारित प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का कैशलेस उपचार करा सकते हैं। इस महामारी की रोकथाम के लिए नागरिकों का सहयोग बहुत जरूरी है। अनलॉक का अर्थ ये नहीं है कि खतरा टल गया है। मास्क लगाना और दो गज की शारीरिक दूरी बनाकर रखना बेहद आवश्यक है। सतर्क एवं जागरूक रहकर ही इस कोरोना को हराया जा सकता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मानसून सीजन समाप्त होते ही केदारनाथ धाम में यात्रियों की खूब आवाजाही हो रही है। अब प्रत्येक दिन 400-500 के लगभग यात्री बाबा के दर्शन में पहुंच रहे हैं। मंदिर के आगे पैदल मार्ग पर दुकानें भी खुल गई हैं। केदारनाथ धाम की ताजा तस्वीरों को देख करके कोरोना महामारी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा। जो केदारनाथ धाम पिछले महीने वीरान पड़ा था वो आज भक्तों की भरमार हो चुकी है। और उससे पहले आपको सुनाते कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर क्या कुछ कह रहे हैं। तो हमको बफर स्टॉक की भी ज़रूरत थी और हमको अधिक निगरानी की भी ज़रूरत थी। शॉर्टेज थी इसलिए कालाबाजारी और जमाखोरी के भी चांसेस थे। आज स्थिति बदली हुई और इस स्थिति में हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर ही नहीं, आज सरप्लस हैं। हमारे पास खाद्यान्न को रखने के लिए जगह नहीं है। बड़ी मात्रा में किसान की फसल प्रतिकूल मौसम में बर्बाद हो जाती है। मंडियों में एफसीआई का माल रखा रखा भीग के सड़ जाता है। पर्यावरण को भी नुकसान होता है, सरकार को भी नुकसान होता है, किसान को भी नुकसान होता है। आज इस एक्ट की आवश्यकता नहीं है, यह बात सब लोग महसूस करते हैं। जब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में रखती है तब उसको ध्यान में नहीं आती जमाखोरी और कालाबाजारी, लेकिन मोदी सरकार जब रिफॉर्म करती है तो उसके ध्यान में ये बात आती है। मैं उन नेताओं को ये बताना चाहता हूँ कि भाई कालाबाजारी और जमाखोरी तब होती है जब किसी चीज़ की शॉर्टेज हो। आज हर चीज़ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, रखने को हमारे पास जगह नहीं है तो जमाखोरी कहाँ से होगी। दूसरा, इससे निजी निवेश भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी अगर किसी व्यापारी को ये लिमिट तय कर दिया कि आप 100 टन ही खरीदोगे तो वो 100 टन को स्टोर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन आपने कह दिया कि आप 1000 टन भी खरीद सकते हो और इस पर कोई रोक नहीं है, तो वो अगर उसकी आर्थिक क्षमता 1000 टन खरीदने की है तो वो खरीदेगा, लेकिन जब वो खरीदेगा तो सरकार की तरह सड़ने नहीं देगा। किसान की फसल जैसे मजबूरी में सड़ जाती है क्योंकि उसके पास जगह नहीं है, तो व्यापारी सड़ने नहीं देगा क्योंकि उसने नगद पेमेंट करके खरीदी है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा, तो इससे निजी निवेश आएगा। और दूसरा, इन रिफॉर्म के माध्यम से सबसे बड़ा जो काम होने वाला है वो ये होने वाला है कि निजी निवेश अब गाँव के नज़दीक पहुंचेगा। अभी सामान्य तौर पर क्या होता है कि जैसे जितना भी वेयर हाउस या कोल्ड स्टोरेज की संरचनाएं आपको दिखेंगी तो वो जिला स्थान के आसपास दिखेंगी, गाँव में नहीं है। गाँव में नहीं है इसलिए कोई भी किसान उसका लाभ उठा ही नहीं पाता, क्योंकि किसान अपना माल रख ही नहीं पाता। अब जब ये एक्ट गांव में ही खरीद करने की इजाजत देंगे तो मैं अगर खरीदार हूं और मेरी क्षमता है तो मैं अपना वेयर हाउस विकास खंड के स्तर पर लगाऊंगा ना, सारी चीज को वहीं खरीद के रखूंगा और जब वो बेचेंगे तब लॉजिस्टिक खर्च मैं उठाऊंगा, पहले क्यों लॉजिस्टिक लागत मैं लगाऊं। तो एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट में सरकार अपना अधिकार कम कर रही है, और अधिकार जब सरकार कम करती है तो उसका स्वागत ही होना चाहिए। जब सरकार कानून के माध्यम से अधिकार को केंद्रित करती है
तो विषय आलोचना का होता है। मोदी सरकार ने तो अपने अधिकार को कम किया है, इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। देखिए दरअसल क्या है कि कानून बनाने के लिए देश में सर्वोपरि शक्ति संसद है और पार्लियामेंट ने इन कानूनों को बनाया है, नंबर वन। दूसरा क्या है कि न्यायालय में आर्गुमेंट कानून के हिसाब से होता है, मर्जी के हिसाब से नहीं होता। कोई बोल दे किसान विरोधी है, कोर्ट क्यों अपना टाइम खर्च करेगा। ठीक है, कोर्ट में एप्लीकेशन देना और अपनी बात रखना हर एक आदमी का लोकतंत्र में अधिकार है, तो मैं उनके अधिकार को चुनौती नहीं देता। लेकिन केंद्र सरकार को ये कानून बनाने का अधिकार समवर्ती सूची की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 33 के अंतर्गत है, उसमें हम ट्रेड के लिए कानून बना सकते हैं। उस प्रविष्टि 33 के अंतर्गत हमने इस कानून को बनाया है, इसलिए कानूनी रूप से हम पूरी तरह सही हैं। सर, राहुल गांधी का ट्वीट आया है कि मोदी सरकार किसानों के साथ सुलझाने की बजाय पीआर में लगी। पीआर में लगी? पीआर में लगी। मेरा कहना यह है कि राहुल गांधी पहले किसानों के प्रति जो कमिटमेंट अपने घोषणा पत्र में कर चुके हैं उसका उनको आत्मलोकन करना चाहिए। पहले उन्हें अगर इस बिल का विरोध करना है तो उस कमिटमेंट से मुकरने की वो घोषणा करें, और अगर उस कमिटमेंट पर वो कायम हैं तो हमारे साथ आएं और किसानों को सदमार्ग पर समझाएं। और दूसरा, कोई भी देश का किसान आधी रात को भी सरकार के किसी प्रतिनिधि से चर्चा करना चाहता है बिल पर, हम आधी रात को भी तैयार हैं। हमारी तरफ से पूरी विनम्रता के साथ किसानों को आमंत्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आप सुन रहे थे। किसानों को लेकर के जो बिल पास हुआ है, जिस तरीके से लगातार विपक्ष उसको लेकर के विरोध कर रहा है, उसी के हित में नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि किसानों के लिए कितना जरूरी है बिल और इससे किसानों को काफी सहूलियत मिलेगी, उनके लिए ये बिल पास हुआ है। और अगर कोई भी किसान सरकार के किसी प्रतिनिधि से मिलना चाहता है तो वो उससे मिल सकता है किसी भी समय पे, हमेशा सारे प्रतिनिधि उपलब्ध हैं और वो अपनी बात आसानी से रख सकता है। ये बिल किसानों के हित के लिए पास किया गया और किसानों के हित के लिए ये बिल है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।